नाज़रीन कैप्शन तो आपने पढ़ा ही होगा, करीब करीब चार तिहाई यानी कि 37 सालों के बाद फिर से जमात इस्लामी इलेक्शन लड़ने जा रही है। उसमें अभी जो खबर हमें मौसूल हुई है उसमें अब्दुल मजीद यानी कि डॉक्टर तलत मजीद जो मेंबर जेई के थे वो यहाँ पर, उन्होंने आज नॉमिनेशन पेपर भरे हैं और सरजान बरकती जो अभी जेल में बंद है उनके पेपर्स भी यहाँ पर फाइल किए गए हैं। ये रिपोर्ट्स अभी सोर्स से हमें मिल रही है। आपको मैं बताऊं कि जो जनरल सेक्रेटरी, जो फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी जो जमीयत इस्लामी के हैं, उन्होंने कुछ दिनों पहले एक इंटरव्यू में कहा था कि जमात कभी भी यानी कि जमात इस्लामी कभी इस फेवर में नहीं था कि यहाँ पर वायलेंस हो, यहाँ पर जो मिलिटेंसी है वो फले फूले। जबकि सबसे पहले हम थोड़ा सा ये कोलाबरेट करके बताना चाहते हैं कि 1987 में जमात ने पहली यानी कि आखिरी इलेक्शन यहाँ पर लड़ा था। उससे पहले भी कहीं एक बार जो है जमात इस्लामी ने इलेक्शंस में पार्टिसिपेट किया था, लेकिन आज 37 सालों के बाद क्यों ये बारी आई कि यहाँ पर अब फिर से जमात इस्लामी इलेक्शन लड़ेंगे, उसमें कहीं एक फैक्टर्स है। फिलहाल हम चंद जो फैक्टर्स हैं उसमें रोशनी डालेंगे। सबसे पहले हम जो वो स्टाइल लीडर यहाँ पर वादी के हैं एवं उनके जम्मू कश्मीर के हैं उमर अब्दुल्ला ने कहा कि आज तक बिल्कुल जमात ये कहती थी कि अगर कोई भी इलेक्शन लड़ेगा वो हराम है। ये रिसेंटली उन्होंने एक चैनल से बात करते हुए कहा, और अगर आज जमात इस्लामी इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं ये एक वेलकम स्टेप है। ये भी आपको मैं बताऊं कि जमात इस्लामी पर अभी MHA ने बैन करके रखी थी 2019 से 5 सालों के लिए, अगरचि उनका टाइम जो है वो ख़त्म हुआ था लेकिन उस बैन को अभी एक्सटेंड किया गया है और ये 2024 में ये फरवरी के मंथ में ये एक्सटेंड बैन की गई थी। अब ये 2029 तक ये बैन कंटिन्यू रहेगी। उसमें आपको मैं बताऊं कि जिस तरह से आप यहाँ पर कंटेस्ट जमात इस्लामी की तरफ से किया जा रहा है, अगर जी ये ऑर्गेनाइजेशन अभी बैंड है लेकिन अब ये जमात इस्लामी के जो मेंबर्स हैं या लीडर्स हैं अब वो इंडिपेंडेंट यहाँ पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। उनका एक ही मुद्दा है कि अगर हम इलेक्शन में आप जा रहे हैं कहीं 87 का जो माहौल है वो फिर से न तैयार हो, जिसमें यहाँ पर जो मोहम्मद यूसुफ है उसको सलाहुद्दीन बनना पड़ा और उसके बाद क्या सिचुएशन बनी ये आपके सामने ही है। लेकिन यहाँ पर अगर डेमोक्रेटिक सेटअप में कोई भी आता है, डेमोक्रेटिक सेटअप में कोई भी अपना इलेक्शन लड़ता है ये बड़ा वेलकम स्टेप होता है। लेकिन अगर बाद में इस तरह के इनिशिएटिव्स लेने के बाद भी अगर किसी पर इस तरह की बिजली गिर जाती है तो सोचिए कि उसमें ये ज़रूरी होता है, उद्देश्य होता है कि एक यूसुफ जो है या यूसुफ शाह जो है वो सलाउद्दीन बन जाता है। अब अगर ये इनिशिएटिव यहाँ पर लिया गया है इसमें आप देखने वाली ये बात होगी कि इनके इलेक्शन में आने से क्या ये डेमोक्रेटिक सेटअप और ज़्यादा मजबूत होगा, क्योंकि जमात इस्लामी पर जो बैन लगाई गई है उसमें कहीं एक लीडर्स और ख़ासकर जो जमात इस्लामी के जो पार्टिसिपेंट्स हैं इलेक्शंस में वो ये कह रहे हैं कि हम इलेक्शन लड़ रहे हैं ताकि जमात से बैन उठाई जा सके और हम असेंबली में इसकी बात भी रखें। अगर यहाँ पर बाकी जो लीडर्स हैं जैसे उमर अब्दुल्ला है, सजाद गनी लोन है, अपनी पार्टी के जो अल्ताफ़ बुखारी है, PDP की सरबराह महबूबा मुफ्ती जो है, उन्होंने इस तमाम इकदाम को वेलकम कहा है। लेकिन आज भी हम देख रहे हैं कि कहीं एक जो लीडर्स है अभी भी जेल में बंद है, अगर वो डेमोक्रेटिक सेटअप के थ्रू अब इलेक्शन लड़ना चाहते हैं तो उनको छोड़ने की ज़रूरत है, उनसे बातचीत करने की ज़रूरत है। ये यहाँ पर इश्यूज़ है, ये इश्यूज़ यहाँ पर जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो गिनवाते हैं। लेकिन आज ये माना जाता है कि जिस तरह से अभी ये बड़ी डेवलपमेंट मानी जा रही है कि तलत मजीद जो जमात इस्लामी के मेंबर थे आज उन्होंने नॉमिनेशन पेपर्स अपने भरे हैं और उसमें सरजान बरकती जो है वो कहीं एक बार जो है जेल में बंद पड़े हुए हैं और उसमें कई एक सालों से जेल में बंद पड़े हुए हैं और उसकी फैमिली और उसके जो दो बेटियां हैं वो भी अब कैंपेनिंग में आगे आ चुकी है। लोकसभा इलेक्शंस में हमने देखा कि इंजीनियर रशीद के जो दो बेटे थे उन्होंने यहां पर उनकी कैंपेनिंग की थी, और आज अगर देखेंगे तो जमीयत इस्लामी अगर अब मैदान में कूद पड़ी है लेकिन उनके लिए जो ग्राउंड और जो एटमॉस्फेयर है वो किस तरह का तैयार होता है वो आने वाले दिनों में ही पता चलता है चलेगा तो दोस्तों जनरल वानी JK न्यूज़ रिपोर्ट।